केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, अगर आपने GSTR 9 गलत फाइल करी तो आपको नोटिस आ सकता है। ऐसा ही एक नोटिस हमारे एक क्लाइंट को आया है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि GSTR 9 भरने से पहले आप इस वीडियो को देख लें जिससे कि आपको ऐसा नोटिस ना आए, और अगर आपको ऐसा नोटिस इन फ्यूचर आ भी जाता है तो उसका रिप्लाई कैसे करें, हम इस वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं, हमारे पास एक नोटिस आया कौन से ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए। GSTR 9 इस व्यक्ति ने फाइल कर दी थी 17-18 की, लेकिन क्या हुआ जब इन्होंने GSTR 9 फाइल करी 17-18 की तो उसमें गलती कर दी। गलती क्या हुई और गवर्नमेंट ने आपको नोटिस क्यों दिया, हम इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला नोटिस में, यू हैव फाइल्ड एनुअल रिटर्न फॉर GSTR 9, आपने GSTR 9 फाइल कर दी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 की, लेकिन जब आपने GSTR 9 फाइल करा उसमें आपने एक्सेस क्लेम ऑफ ITC कराए। सर एक्सेस क्लेम ऑफ ITC कैसे कराए, इस बात को आपको समझना है। ये क्या कहना चाहते हैं कि हमने आपकी 3B को, हमने आपके 2B को, हमने आपके 2A को मैच करा, किससे, GSTR 9 से। आपके 3B में ITC आ रहा है, आपके 2A में ITC आ रहा है, लेकिन आपने GSTR 9 में ITC क्लेम ही नहीं करा। और अगर आप GSTR 9 में ITC क्लेम नहीं करते हो तो ये जो आपने 3B में ITC क्लेम करा है ये वापस कर दो। अरे भैया आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ ये क्या बात हुई, क्या GSTR 9 में ITC क्लेम करने की कोई कंडीशन है क्या? GSTR 9 में तो कभी ITC क्लेम किया ही नहीं जाता। GSTR 9 का इंस्ट्रक्शन फॉर्म ये कहता है कि आपको GSTR 9 में ITC क्लेम नहीं करना है, जो ITC आपने 3B में क्लेम कर लिया है सिर्फ उसकी रिपोर्टिंग करनी है। उसकी क्या करनी है, सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है। तो अगर मैं GSTR 9 फाइल करते समय ITC की डिटेल डालना भूल गया तो इसका ये मतलब हो गया कि मैंने ITC क्लेम ही नहीं करा। इनके नोटिस के हिसाब से तो यही लिखा हुआ है। ये देखो क्या कहते हैं इस नोटिस में, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। ये कहते हैं, इट हैज फाउंड डेट यू हैव नॉट डिक्लेयर योर करेक्ट टैक्स लाइबिलिटी वाइल फाइलिंग द एनुअल रिटर्न ऑफ GSTR 9, कि जब आपने GSTR 9 फाइल करी तो आपने करेक्ट लाइबिलिटी नहीं बताई। लेकिन गलती क्या करी हमने, गलती सिर्फ क्या करी है, देखो ये गलती खुद बताते हैं। ये कहते हैं हमने 3B और GSTR 9 को कंपेयर करा। जब GSTR 9 और 3B को कंपेयर करा तो 3B में ITC था मेरा 10 लाख रुपए, लेकिन जब आपने मेरी GSTR 9 को चेक करा तो GSTR 9 के ना तो 13 नंबर 12 नंबर में कोई ITC की डिटेल थी, ना ही GSTR 9 के टेबल नंबर 6O में, क्योंकि ITC की बायफर्गेशन हमारे को टेबल नंबर 6 में डालनी होती है, ना वहां पर कोई बायफर्गेशन थी। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ITC अवेल इन 3B इन एक्सेस ऑफ GSTR 9 है, जो कि 10 लाख रुपए का, और ये हमें रिवर्स कर दो। अरे भैया डिपार्टमेंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर किसी व्यक्ति ने GSTR 9 में ITC 6B में नहीं डाला बायफर्गेशन करके, तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि उस व्यक्ति ने ज़्यादा ITC क्लेम कर लिया। एक बार आप ना GSTR 9 के इंस्ट्रक्शन फॉर्म को पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है कि GSTR 9 में ITC की रिपोर्टिंग करनी है, ITC क्लेम नहीं करना। जब मैंने 3B में ITC क्लेम करा मेरे 2A में आ रहा है, तो मेरा वो ITC गलत कैसे हो गया, मैंने GSTR 9 में नहीं डालने से वो गलत नहीं होता है। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, आपने मुझे भेज दिया कि 11 लाख की पेमेंट कर दो, मैं ऐसे पेमेंट क्या कर दूं। और इस बात को और समझना, इस वाले क्लाइंट के केस में मजेदारी वाली बात क्या है, इस क्लाइंट ने 9 तो फाइल नहीं करी, 9 तो फाइल करी लेकिन उसमें ITC क्लेम नहीं करा, लेकिन इसने अपनी जब 9 सी फाइल करी, जब इसने व्यक्ति ने अपनी 9 सी फाइल करी तो उसमें ये बात लिख कर दे दी कि गलती से हम टेबल नंबर 6O को भरना भूल गए, 6B में बायफर्गेशन करना भूल गए। तो आप इसे कंसीडर कर लो, हमने कोई ITC की चोरी नहीं करी, लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या पकड़ा, सिर्फ GSTR 9 को पकड़ा, 9C को छोड़ दिया, 3B को छोड़ दिया, ठीक है 2A को छोड़ दिया। भाई 9C में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके साइन है, तो आप उनकी वैल्यू तो समझो। जब हम 9C में कह रहे हैं कि हमारी गलती हो गई, तो आप इससे इशू ना बनाए, इस 11 लाख के नोटिस को रद्द कर दें, ठीक है। ऐसी हमने इसमें वीडियो बनाई है और हम इस नोटिस का रिप्लाई ऐसे ही देने वाले हैं कि भाई GSTR 9 में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको ITC क्लेम करना है, मेरा ITC वैलिड है, मैंने 9 फाइल करी, मैं गलत फाइल कर सकता हूँ क्योंकि आपने मुझे 9 का रिवाइज का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ।
तो 9 गलत फाइल हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया कोई भी जो है ना अपनी 9 को गलत फाइल ना करे। हमारा पेनड्राइव कोर्स है जिसमें GSTR 9, 9C फाइनेंशियल ईयर ठीक है ना 2021 की भी हमने आपको पढ़ाया है। तो अगर किसी ने नहीं ली है तो इस नंबर पे बात करके वो हमारी 9C की क्लासेस ले सकता है या फुल पेन ड्राइव ले सकता है। सर आने वाले समय में हम वेबिनार कर रहे हैं, तो सर क्या आप GSTR 9 के ऊपर भी वेबिनार करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, GSTR 9 के ऊपर भी वेबिनार करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो फिलहाल वेबिनार है इस सैटरडे को वो चेंजिंग इन GST लॉ के ऊपर है। इसके बाद हम सारी चीजों को करने के बाद GSTR 9 और 9C पे भी वेबिनार करेंगे। अगर आपको हमारे वेबिनार्स की जानकारी चाहिए, हमारी मैगजीन की जानकारी चाहिए, हमारी पेन ड्राइव की, तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आप उन पर बात कर आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। आप हमारा नंबर सेव कर सकते हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ों की डिटेल नॉलेज मिलती रहे, डिटेल अपडेट्स मिलती रहे। ये हमारे दो नंबर हैं, इनके व्हाट्सएप स्टेटस पर आप समय समय पर चेक कर सकते हैं कौन कौन से वेबिनार है, क्या हमारा डिस्काउंट चल रहा है, क्या हमारी मैगजीन है। मैगजीन आप सब लोगों को मिल गई होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ना दिसंबर की मैगजीन का कंटेंट बताओ कि दिसंबर की मैगजीन में हम क्या क्या कंटेंट डालें। ये वीडियो तो आपको समझ आ गया होगा, हम GSTR 9 पर भी वेबिनार करेंगे, हमारी पेन ड्राइव आप उसमें ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। उस पेड मेंबरशिप में क्या होता है, हम आपकी क्वेरी को शॉर्ट आउट करते हैं फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, मेल के ऊपर और एनी डेस्क के ऊपर। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा नोटिस आ गया है तो आप भी इसका रिप्लाई कीजिए और अपनी GSTR 9 को सही से टाइम से फाइल करें जिससे आपको ऐसा नोटिस ना आए। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू फॉर